तो हे नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो पे। ये वीडियो होने वाला है वो GTA 4 लवर्स के लिए होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, फाइनली GTA 4 का एक न्यू एडिशन आ चुका है। बट वेट, आप बोलोगे भाई कि फिट गर्ल का मत दो, कोडेक्स का मत दो, ये मत दो, वो मत दो। तो गाइस, आपको कोई भी टेंशन लेने का नहीं है। आपको सिंपली फाइल्स को डाउनलोड करना है, एक्सट्रैक्ट करना है एंड आप गेम खेलने के लिए रेडी। यहाँ पर आपको कोई भी फाइल को इंस्टॉल नहीं करना है। एंड मैं एक बात बता देना चाहता हूँ आपको कि अगर आप कि GTA 4 में आपको कोई भी एरर आ रहा है या कुछ भी आप प्रॉब्लम फेस कर रहे थे पुराने फाइल्स में, तो गाइस अगर आप इस फाइल्स को डाउनलोड करते हो तो यहाँ पर मैं आपको 100% गारंटी के साथ बोलता हूँ कि आपको कोई भी एरर आने वाला नहीं है। तो यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूँ कि इस न्यू एडिशन में आपको क्या नया मिलने वाला है एंड गेम का साइज़ क्या होने वाला है। तो गाइस पहले मैं बता दूँ, गेम का साइज़ अप्रॉक्स 17 GB के आसपास है। तो गाइस आपको डाउनलोड करना है अप्रॉक्स 11 GB के आसपास, तो आपको 600 MB के 19 पार्ट डाउनलोड करने। तो यहाँ पर मैं पार्ट्स में दे रहा हूँ एंड सभी डायरेक्ट लिंक है दोस्तों, आप वन क्लिक में डाउनलोड कर सकते हो। तो सिंपली आपको सभी पार्ट का लिंक आपको मेरे वेबसाइट में मिल जाएगा। तो अगर आपको इंस्टॉलेशन वीडियो देखना है तो आप मेरे सेकंड चैनल पर जा सकते हो RF GamerX पे, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां से आप मेरे सेकंड चैनल पर जाकर इंस्टॉलेशन वीडियो देख सकते हो। तो कि इस नए वाले अपडेट में आपको क्या क्या मिलने वाला है, तो गाइस बेसिकली इस नए वाले अपडेट पे आपको सारे बग्स फिक्स मिलते हैं। प्लस इसमें कुछ नए व्हीकल्स हैं, वेपन्स ऐड मिलते हैं। जैसे GTA 5 का जो अपडेट आया था, सिंपली बेसिकली उसी बेसिस पे ये अपडेट आया है, तो आप अपने हिसाब से देख लेना। एंड गाइस मैं फिर बता दूं कि जितने भी लिंक्स हैं आपको मेरे वेबसाइट पे मिल जाएंगे। अपकमिंग गेम के भी लिंक्स आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, सभी डायरेक्ट लिंक है, आप वन क्लिक में जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि यहाँ पर मिनिमम सिस्टम रिक्वायर गेम को रन करने के लिए, गाइस यहाँ पर आपके पास रैम 2 GB होना चाहिए, ग्राफिक कार्ड का नीड नहीं है। किसी या लैपटॉप में बाई डिफॉल्ट 512 MB ग्राफिक कार्ड रहता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर ग्राफिक कार्ड का मैं नहीं बोलूंगा, प्रोसेसर डुअल कोर होना चाहिए। एंड गाइस आपके में मिनिमम स्पेस दोस्तों 17 GB के आसपास स्पेस खाली होना चाहिए, देन आप GTA 4 की न्यू एडिशन को खेलने के लिए रेडी हो। तो वेल गाइस, बस इतना ही था आज के वीडियो पे कि कैसे आप GTA 4 के न्यू एडिशन को डाउनलोड कर सकते हो। एंड फिर मैं बता दूं कि अगर आपको इंस्टॉलेशन वीडियो देखना है तो मेक श्योर कि आप हमारे सेकंड चैनल पे जाके सब्सक्राइब कर ले RF GamerX को, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो बस इतना ही था। आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। एंड हाँ दोस्तों, अपने फ्रेंड्स से जरूर शेयर करो जो अभी तक GTA 4 का न्यू एडिशन डाउनलोड नहीं कर पाए या वो एरर फेस कर रहे हैं। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ एक और वीडियो में, तो अपना ख्याल रखना और अपने परिवार का ख्याल रखना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।